और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम HTML के अंदर हेडिंग विद स्टाइल टाइप का प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर अपना क्या है, यहाँ पे क्या क्या यूज होती है, H1 हेडिंग 1, H1 क्या होगा, हेडिंग 1, CSS यूज होएगा। CSS क्या होता है, कास्केड स्टाइल शीट। क्या है अपना कास्केड स्टाइल शीट इसमें यूज होएगा। अब अपना क्या है, नोट पैड ओपन करते हैं। स्टार्ट पे जाओगे, क्या है नोट पैड ओपन करेंगे, अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। नोट पैड के अंदर क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, प्रोग्राम स्टार्ट किया, HTML डाल दिया हमने। उसके बाद टाइटल के अंदर क्या है अपना, यहाँ पे हमने प्रोग्राम का नेम क्या है, स्टाइल टाइप। टाइटल जो डालते हैं, टाइटल हमारा किस लिए यूज होता है, कि जो भी अपना इंटरनेट का पेज होता है, इंटरनेट के पेज में टाइटल इसका नेम देने के लिए किसका यूज करते हैं, टाइटल का हम यूज करते हैं। टाइटल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंटर किया, फिर अपना क्या है यहाँ पे स्टाइल टाइप, क्या लिखा हमने, स्टाइल टाइप इक्वल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्स्ट स्लैश CSS। देखो कि जो अपना यहाँ पे क्या डाला है, स्टाइल टाइप हो किस पे, टेक्स्ट पे, और इसके अंदर कास्केड स्टाइल शीट। कास्केड स्टाइल शीट क्या होगा अपना, कास्केड स्टाइल शीट होता है कि अपनी सीट पे पर्थ वाइज, कास्केड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, जैसे वो अपनी स्टाइल अप्लाई होती जाए। अब यहाँ पे एंटर किया, अप्लाई होती जाएंगे। फिर क्या डाला हमने, H1 मतलब हेडिंग वन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें क्या है, हेडिंग वन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर हमने यहाँ पे क्या डाला, हेडिंग वन फॉन्ट साइज, क्या डाल दिया हमने, फॉन्ट साइज इक्वल 14, सेमीकोलम लगाया। सेमीकोलम होता है स्टेटमेंट को बंद करने के लिए। अब इसमें सेमीकोलम का यूज होएगा, बैकग्राउंड पहले कलर लेंगे, बैकग्राउंड से पहले क्या है, फॉन्ट कलर यहाँ पे कलर हमने क्या डाल दिया, रेड। फिर सेमीकोलम एंटर, बैकग्राउंड के अंदर हमें बैकग्राउंड किस कलर की चाहिए वो कलर डाल देंगे, ब्लू डाल दिया हमने। फिर आपका क्या है, कर्ली ब्रैकेट बंद, ये वाली जो हमने H1 हेडिंग 1 के अंदर जो ये स्टाइल अपना स्टाइल डाली है वो स्टाइल अपनी दिखाए, हेडिंग 1 के अंदर ये स्टाइल अप्लाई हो जाए अपने मैटर के ऊपर। फिर हमने सेकंड हेडिंग 2 स्टार्ट की, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, फॉन्ट साइज यहाँ पे फिर क्या डाल दिया, फॉन्ट साइज इक्वल 50, एंटर किया। फिर हमने क्या डाल दिया, कलर हमने क्या डाला, येलो। उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर हमने क्या फिल किया, यहाँ पे इक्वल बैकग्राउंड कैसी हो जाए इसकी, ब्लैक। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करनी है और क्या करनी है, बंद करनी है। एंटर किया, H3 हेडिंग 3, इस टाइप से हमने हेडिंग 3 अप्लाई किया। इसमें भी क्या डाल दिया हमने, फॉन्ट साइज डालना, यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने क्या डाल दिया, 30। फिर क्या लगाया हमने, सेमीकोलम एंटर। फिर क्या है, कलर क्या है, हमने कोई भी कलर का नेम डाल सकते हो, एनी नेम, सियान डाल दिया, टर्मिनेटर एंटर, बैकग्राउंड कैसी डाल दी हमने, बैकग्राउंड डाला हमने रेड, बैकग्राउंड डाल दिया रेड, कर्ली ब्रैकेट बंद, एंटर। अब स्टाइल को क्या करेंगे, बंद, यहाँ पे स्टाइल क्या कर दी हमने, बंद की,
ये स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट हुई। फिर हमने क्या स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी मैटर डालेंगे वो उसी पे क्या होगी, अप्लाई होगी। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, H1 हेडिंग वन हो गया। अब इसमें हेडिंग के अंदर हमने क्या डाल दिया, गुड मॉर्निंग डाल दिया। अब अपनी हेडिंग में ये लिखाएगा H1 को क्या किया हमने, बन। H2 हेडिंग टू के अंदर हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, गुड आफ्टरनून। उसके बाद हेडिंग टू को क्या किया हमने, बन। हेडिंग थ्री अप्लाई की, हेडिंग थ्री के अंदर हमने क्या डाल दिया, गुड नाइट। इस टाइप से हमने क्या है, ये हेडिंग बनाई। अब इन हेडिंग पे जो भी आपने स्टाइल लगाई है वो स्टाइल क्या हो चुकी है, अप्लाई करनी। अब यहाँ पे क्या है, हमने बॉडी को बंद किया, फिर HTML को बंद किया, बॉडी बंद, HTML बंद। फाइल को क्या करेंगे, सेव। फाइल सेव की, किस नाम से फाइल सेव कर दी हमने, style.html। इस नाम से फाइल सेव की, style.html से हमने फाइल को क्या किया, सेव किया। उसके बाद सेव करने के बाद विंडो डी प्रेस करने के बाद जिस नाम से आपने फाइल बनाई है उस नाम का फोल्डर आपके क्या है, डेस्कटॉप पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, वो चीज अपनी डेस्कटॉप पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब यहाँ पे अपना जो भी आपको स्टाइल जो भी आपने डाली है वो स्टाइल यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे ही इसको इस पर डबल क्लिक करोगे तो अपनी ये स्टाइल क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। डबल क्लिक करते हैं तो वो स्टाइल अपनी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाती है। अब देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग पे हमने क्या डाला था कि जो फॉन्ट साइज है 40 डाला था, कलर रेड डाला था, बैकग्राउंड कलर कैसा डाला था, ब्लू डाला था। फिर आपका नेक्स्ट हेडिंग टू, अब हेडिंग टू के अंदर इसमें क्या है, यहाँ पे शो नहीं किया। हेडिंग टू के अंदर देखेंगे कहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या किया हमने, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या डाला है, हेडिंग टू फॉन्ट साइज 50 डाल दिया, कलर कैसा लिया, येलो। अब बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड किया कंट्रोल एस से, सेव, ऑल टैब किया, F5 किस लिए होता है, रिफ्रेश के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी आपने डाला था वो आपका दिखा दिया। इसके बाद फिर हमने हेडिंग टू के अंदर क्या है, साइज हमने 30 लिया था तो 30 साइज दिखा दिया, कलर सियान ओपन किया था। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कैसा किया था, रेड, तो बैकग्राउंड कलर कैसा दिखा रहा है, रेड कलर शो कर रहा है। इस टाइप से हमारा हेडिंग के अंदर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जैसे दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, HTML हो गया, टाइटल के अंदर स्टाइल टाइप का अपना प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर टाइटल को हमने क्या किया, बंद किया। स्टाइल टाइप इक्वल टेक्स्ट स्लैश CSS क्या होता है, कास्केट स्टाइल सीट। ये आपने वर्ड एक्सेल में भी किया था कि जो हमने 2-3 विंडो ओपन कर रखी है उन सभी विंडो को कास्केट में देखने के लिए, कास्केट में कैसे देखते थे, एक के ऊपर एक विंडो को शो करता था, पर्थ वाइज एक के ऊपर एक विंडो को शो करता था। इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट हो गया मैटर जो भी लिखेंगे, CSS क्या हो गया, कास्केट स्टाइल सीट अप्लाई हो जाए। उसके बाद हेडिंग वन के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे स्टार्ट की। अब इसके अंदर क्या है, फॉन्ट साइज 40 हो गया, फिर क्या है, कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ये अपना जो साइन होता है, ये किसका साइन, अपना सेमी कोलम का साइन होता है। सेमी कोलम मतलब लाइन को बंद, ये कंडीशन अपनी यहाँ पे बंद हुई। उसके बाद अपना क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ओपन कर रखी है तो उसको क्या करेंगे, क्लोज। हेडिंग टू के अंदर यहाँ पे हमने सेकंड हेडिंग में ये वाली स्टाइल अप्लाई, हेडिंग थ्री के अंदर ये वाली स्टाइल ली। फिर स्टाइल को क्या किया हमने, बंद किया। अब स्टाइल बंद करने के बाद यहाँ पे क्या है, बॉडी स्टार्ट की,
बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जैसे ही H1 हेडिंग वन के अंदर हमने क्या डाला है यहाँ पे गुड मॉर्निंग डाल दिया। उसके बाद हेडिंग टू के अंदर ये मैटर अप्लाई किया, हेडिंग थ्री के अंदर ये वाला मैटर अप्लाई किया, उसके बाद बॉडी वन एचटीएमएल वन ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लास्ट में क्या किया क्लोज की। उस वीक के बाद क्लोज करने के बाद हमने प्रोग्राम को क्या किया सेव, कंट्रोल एस से प्रोग्राम को क्या किया सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही हमने डेस्कटॉप पे सेव किया तो उस नाम से क्या मिलेगा उसका आइकन मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद जो भी इसके अंदर रिजल्ट है वो रिजल्ट अपना यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, वो रिजल्ट अपना क्या करता है यहाँ पे शो करेगा। अब जो भी आपको प्रोग्राम करवाया है इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम पूछ सकते हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो जो भी आपका प्रोग्राम करवाया है उसके अंदर। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।